जय हिंद वंस अगेन एंड वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ वेव एम्पलीफायर क्लासेस। हियर आई एम बैक विद द टॉपिक ऑफ इनकम डिटरमिनेशन, और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एग्रीगेट सप्लाई। बहुत जरूरी है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझना। और आज जो टॉपिक हमारा चलने वाला है, आज जो मैं समझाने जा रही हूँ आपको, वो है आपका कंजम्पशन फंक्शन, या फिर कह लीजिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, अभी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है पहले मीनिंग समझिए। मीनिंग क्या है? इट मीन्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है? वो रिलेशनशिप है, वो फंक्शनल रिलेशनशिप है, ध्यान दीजिएगा। फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब जहाँ पर एक के बढ़ने या घटने से दूसरे पर भी असर पड़ता है, दूसरे फैक्टर पर भी असर पड़ता है। ऐसा कोई भी रिलेशनशिप जो है फंक्शनल होता है, जहाँ पर कीप्स ऑन चेंजिंग होता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल डिस्पोजेबल इनकम। अब ये टोटल कंजम्पशन क्या है वो देख लीजिए। टोटल कंजम्पशन यानी जितना भी कंजम्पशन हम कर रहे हैं टोटल गुड्स और सर्विसेज का, वो हो गया। टोटल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? वो टोटल इनकम जिसको हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये आपका एक प्रॉपर एक रिलेशनशिप है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि आपको ये बताता है कि डिस्पोजेबल इनकम और जो आपका एक कंजम्पशन का ट्रेंड होता है, इसमें क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अगर मैं सीधी भाषा में इसको समझाऊं तो जैसे जैसे किसी पर्सन की इनकम बढ़ती जाती है, तो जाहिर सी बात है उसकी इनकम बढ़ी तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती जाएगी। हाँ, और डिस्पोजेबल इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो ऑब्वियस है कि वो डिस्पोजेबल इनकम क्या है। पहली बात डेफिनेशन से क्लियर है कि भाई जो इनकम वो खर्च करने के लिए तैयार है। ठीक है, उसके खर्च करने के लिए रेडी है, तो ऑब्वियसली अगर उसके पास खर्च करने के लिए ज्यादा अमाउंट है तो उसका कंजम्पशन भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एज द इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस, उसकी टोटल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो एक पर्सन की इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे उसका कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप को हम यहाँ फॉर्मूला के बेस में किस तरह से लिखेंगे वो ये मैंने यहाँ पर क्लियर आउट किया है। सी इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, अब ये सी क्या है भाई? सी है कंजम्पशन और वाई क्या है? डिस्पोजेबल इनकम। तो फंक्शनल वाई है ना, फंक्शनल वाई का मतलब क्या है? डिस्पोजेबल इनकम। ओके, तो इसको किस तरह से हम देखेंगे, आगे समझेंगे, वो मैं एक टेबुलर फॉर्म में इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। इसको एक चीज और समझ लीजिए, ये जो रिलेशनशिप है इसको कीन्जियन थ्योरी के अकॉर्डिंगली, मतलब प्रोफेसर कीन्स जो थे उन्होंने इस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करके दिखाया कि भाई अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ती जाती है, बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली वो कंजम्पशन भी बढ़ाएगा। अब कंजम्पशन बढ़ाने से मतलब ये नहीं है कि पहले वो दो रोटी खाता था तो अब वो आठ रोटी खाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे वो इनकम बढ़ाएगा वैसे वैसे वो कंजम्पशन बढ़ाने से मतलब क्या है, उसका खर्च करना बढ़ जाएगा ना। जहां वो जैसे थोड़े सस्ते कपड़ों से काम चलाता था, अब वो क्या करेगा, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनेगा। ठीक है, पहले बाइसिकल से चलता था, अब बाइक से चलेगा, धीरे और इनकम बढ़ी तो वो कार से चलना शुरू करेगा, देन फिर उसमें भी ब्रांडेड कार्स, जो आपकी आइकन कार्स होती हैं, उनमें वो लग्जरी कार्स में चलना शुरू करेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये एज द इनकम इज राइजिंग, फिर वो कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली प्रोफेसर कीन्स ने एक चीज और बनाई, वो क्या था, लॉ ऑफ कंजम्पशन। उन्होंने क्या बनाया, ये एस्टैब्लिश हुआ लॉ ऑफ कंजम्पशन, मैं लिखकर बता दूं, लॉ ऑफ कंजम्पशन। और लॉ ऑफ कंजम्पशन आपका क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजम्पशन कहता है कि एज द इनकम इंक्रीजेस
the consumption will also increase, okay, but less than the increase in income. जैसे जैसे हमारी income बढ़ती जाती है वैसे वैसे consumption भी बढ़ेगा, लेकिन income में increase होने वाले trend के comparison में consumption का जो trend है increase होने का वो कम रहेगा, है ना? भाई देखो, अभी आप भूखे थे, मतलब कोई भी आपको शौक था, जो भी था वो इनकम्प्लीट था, जब आपकी इनकम क्या थी, जीरो थी. हाँ, इनकम जीरो होने पर, तो अगर वो इनकम जीरो थी तो आप कुछ नहीं कर रहे थे. नेक्स्ट आप आ गए भाई कि आपने अर्निंग शुरू की, तो आप धीरे धीरे पहले पहले क्या करोगे, पहले अपने शौक पूरे करोगे? नहीं जी, पहले क्या करोगे, आप बेसिक नेसेसिटीज को अपने कंप्लीट करोगे, फुलफिल करोगे. अब ये बेसिक नेसेसिटीज जैसे जैसे आपकी फुलफिल होती गई और फिर इनकम जब बढ़ेगी आपकी, तो आप क्या करोगे, फिर इनकम बढ़ने के साथ में आप धीरे धीरे उसको किस तरह से करोगे कि कंजम्पशन तो बढ़ाओगे, जैसे मतलब बेसिक नेसेसिटीज के आगे फिर आप लग्जरी नेसेसिटीज की तरफ मूव ऑन करोगे, लेकिन किस लिमिट तक, एक लिमिटेड लेवल तक. उसके बाद अगर इनकम बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, आपका सेविंग्स में जा रही है. हाँ, मतलब अगर बाइक से चलने वाली इनकम आपकी है, मतलब वो इनकम ग्रुप में आप आ गए कि बाइसिकल से आप बाइक खरीद लो, तो बाइक खरीदोगे आप, ठीक. और उसके बाद में क्या है भाई, फिर जो इनकम आपकी उस टाइम पर सरप्लस में जा रही है वो आप क्या कर रहे हो, आप सेविंग्स में डाल रहे हो, ठीक है. आगे फिर एक टाइम आएगा जब आप कंजम्पशन फिर बढ़ाओगे, इनकम बढ़ेगी तो, और कंजम्पशन जब आपने इनकम बढ़ी और कंजम्पशन बढ़ाया तो अब आपने कार खरीद ली, लेकिन फिर भी इनकम का जो सरप्लस है वो आप क्या करोगे, सेविंग्स में डाल दोगे. तो इस तरह से क्या है, इनकम जितनी बढ़ती है उस रेशियो में आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, ठीक है. तो कंजम्पशन फंक्शन का जो आपका इनडेप्थ एनालिसिस है वो क्या कहता है, कंजम्पशन फंक्शन का एनालिसिस आपका ये बताता है कि पहली चीज, पहला कंक्लूजन जो है वो ये क्या है, फर्स्ट मैं लिख दूं यहां पर, फर्स्ट है एज द इनकम इंक्रीजेस, ठीक है, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक. ये आपका एजम्पशन है, मतलब कंजम्पशन फंक्शन का एनालिसिस आपका ये कैलकुलेट करके बताता है, ठीक है. लेकिन इसके साथ में ये कंप्लीट नहीं है, फर्स्ट पॉइंट, इसके साथ में क्या है, बट द इंक्रीज इन कंजम्पशन रिमेन्स लेस देन इंक्रीज इन इनकम, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक. सेकेंड पॉइंट क्या हो जाता है, सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंगली, ये मैं यहां से लिखूं शायद पूरा आ जाए, सेकेंड पॉइंट के हिसाब से, व्हेन इनकम इज जीरो, ठीक है, तभी भी कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन इज नॉट जीरो, ठीक है. मतलब सेकेंड एजम्पशन आपकी कहती है कि जब इनकम जीरो थी, ठीक है, तभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो हम क्या करते हैं, फुलफिल करते ही करते हैं, ठीक है, उस लेवल पर भी जबकि हमारी इनकम लेवल जीरो होती है. और इस टाइम पर हम कैसे अपनी बेसिक नीड्स को, नेसेसिटीज को कंप्लीट करते हैं, बाय यूजिंग अवर पास्ट सेविंग्स, बाय यूजिंग अवर पास्ट सेविंग्स, ठीक. और इसके बाद में कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज टर्म्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज टर्म्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन. जहां पर ऑटोनोमस कंजम्पशन को आप किससे डिनोट करते हो, ऑटोनोमस कंजम्पशन
और इसको डिनोट कैसे करोगे, सी लिखकर इस पर एक बार बनता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन का साइन होता है। ओके, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन के हिसाब से अभी मैं आपको एक टेबलर प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूंगी, ये सारे पॉइंट्स आप समझ जाओगे। तो लेट्स मूव ऑन टू दैट टेबल। यस, ये आप देखिए यहाँ पर, देखो सबसे पहले आप एक टेबलर प्रेजेंटेशन देख लो, कंजम्पशन फंक्शन शेड्यूल जो है आपका, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का शेड्यूल, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है नाम में। तो यहाँ पर देखो आप डिस्पोजेबल इनकम आपको दी हुई है, और जैसा अभी मैंने बताया आपको कि जब अर्निंग हमारी जीरो होती है, जब हमारी इनकम जीरो होती है तभी भी हमारा कंजम्पशन जीरो नहीं होता, ठीक है। और इस टाइम पर जो कंजम्पशन होता है वो हमारा क्या होता है, ऑटोनोमस होता है, ठीक है। मतलब हम सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज पर फोकस करते हैं, कोई शौक थोड़े ना उस समय पूरा किया जाता है, ठीक है। देन वी स्टार्टेड अर्निंग, अब इनकम शुरू हुई तो 40 करोड़ में इनकम है, और कंजम्पशन फिर बढ़ गया, अब थोड़े थोड़े शौक भी मेंटेन करने पड़ेंगे टू मेंटेन दैट सोशल स्टेटस, तो भाई कंजम्पशन फिर भी ज्यादा है, कितना है, 50 करोड़ का, ठीक है। अब इसी चीज को आगे और समझिए कि इनकम और बढ़ी और हमारा कंजम्पशन क्या हुआ, अब यहाँ पर 80 हो गया। अब ये पॉइंट क्या हो गया, जहां पर ये और ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, बराबर है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इनकम फिर बढ़ गई, इनकम फिर बढ़ी, लेकिन कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ेगा तो लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 110 हुआ कंजम्पशन, ठीक। इसके बाद में 160 हुई इनकम, और यहाँ 140 हुआ कंजम्पशन, नेक्स्ट 200 और ये 170, ठीक है। इसी चीज को आप टेबुलर फॉर्म में देखने की कोशिश करो। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, वो पॉइंट जहां पर आपका इनकम और जो ये कंजम्पशन है ये दोनों बराबर होते हैं, ये होता है आपका, मैं इसको अलग से मार्क करके बता दूं, ये पॉइंट होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। इसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ये होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ, यानी जहां पर आपका कंजम्पशन वाई इक्वल टू सी होता है, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन होता है, ठीक है। अब आप इस चीज को डायग्रामेटिकली समझ लीजिए, ग्राफ के हिसाब से समझ लीजिए, ओके। हाँ जी, तो यहां पर देखिए कंजम्पशन आपका क्या है, सॉरी इनकम आपकी क्या है, जीरो है, और उस पॉइंट पर भी आपका जो कंजम्पशन है वो कितना है, 20 यूनिट्स का है, ठीक है। यहाँ पर ये जो 20 यूनिट्स का कंजम्पशन है ये क्या है, सी ऑटोनोमस, सी को आपने ऑटोनोमस माना है इस पॉइंट पर। अभी इनकम आपकी शुरू हो रही है धीरे धीरे, ठीक है, और मैंने कल भी बताया था कि इनकम को आप एज एन एवरेज मानकर चलते हो, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एवरेज अगर आप मानोगे तो कितना होगा, 45 डिग्री, जो कि यहाँ पर ये आपको ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक, ये आपको ग्राफ के थ्रू यहाँ पर दिखाया हुआ है बहुत क्लियरली, ये आपका 45 डिग्री का हो गया, ठीक। सी ऑटोनोमस ये रहा, 20 यूनिट्स का कंजम्पशन जीरो इनकम लेवल पर, ओके। अब देखिए इसमें धीरे धीरे जब तक इनकम बढ़ी है, कब तक, 40 तक स्टार्टअप हुआ है, और 40 यूनिट्स तक स्टार्टअप होने में जो कंजम्पशन है वो कितना रहा, 50 रहा, यानी एनी हाउ ये कंजम्पशन अभी आपका क्या है, जीरो ज्यादा है इनकम से, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, डिस सेविंग्स कर रहे हो। डिस सेविंग्स क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप नेगेटिव सेविंग्स में जा रहे हो। यहां पर देखो तो अगर आप सेविंग्स देखिए तो कितनी हो जाएगी, -20, यानी सेविंग्स पहले की जो भी रही होंगी उसमें से 20 माइनस हो गई। अब अगर यहाँ पर सेविंग्स को आप और देख लीजिए तो यहाँ पर आपका 50 है, 50 में और इनकम आपकी 40 है, तो सेविंग्स कितनी हो जाएंगी, y माइनस c कितना हो जाएगा आपका,
यहाँ पर -10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, सेविंग्स नेगेटिव में जा रही है, और जब तक सेविंग्स माइनस में जाती है तब तक वो क्या कहलाती है, डिस सेविंग्स, यानी वो अपनी सेविंग्स को खत्म कर रहे हैं। डिस का मतलब क्या होता है, अपोजिट, खत्म करना, ठीक है। अब इसके बाद ये पॉइंट आया 80-80, जहां पर इनकम और आपका कंजम्पशन सॉरी दोनों बराबर है, इनकम एक्सपेंडिचर। तो ये हो गया आपका वो पॉइंट जहां पर दोनों इक्वल है, और ये पॉइंट क्या है, y इक्वल टू सी, यानी ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर ना तो सेविंग्स है ना डिस सेविंग्स है, और ना ही यहाँ पर आपकी एक कंजम्पशन जो है वो ज्यादा है इनकम से, ठीक। अब इस पॉइंट के बाद जितना भी होगा वो इनकम बढ़ेगी और कंजम्पशन क्या रहेगा, कम रहेगा। उससे बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी राइज होगा, लेकिन क्या होगा, कम लेवल से राइज होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए 120 पर 110, यानी कंजम्पशन कम है इनकम से, ऑब्वियसली सेविंग्स क्या हो गई, प्लस में 10 हो गई, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी सेविंग्स यहाँ पर प्लस में 10, देन आगे प्लस में 20, फिर प्लस में 30, इस तरह से ये जो गैप है ये डिनोट करता है पॉजिटिव सेविंग्स को। किसको डिनोट करता है, पॉजिटिव सेविंग्स को, ओके। अब ये पॉजिटिव सेविंग्स हमारी क्या बताती हैं, कि अब हमने जो है सेविंग्स में इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। अभी तक डिस सेविंग्स थी, माइनस हो रही थी सेविंग्स हमारी, जो पिछली सेविंग्स थी, लेकिन अब क्या हुआ है, सेविंग्स वापस बढ़नी शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हाँ, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अकॉर्डिंगली जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है, उसके कुछ एनालिसिस मैंने आपको बताया। फर्स्ट वन क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन जितने रेशियो से इनकम बढ़ेगी उतने रेशियो से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। सेकेंड वन हो गया, जब इनकम जीरो थी तब भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ बेसिक कंजम्पशन रहता है हर पर्सन का। थर्ड एजम्पशन में बता दूं, टिल द टाइम इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, जब तक कंजम्पशन जो है कंजम्पशन इनकम से कम है, ठीक, सॉरी ज्यादा है, यानी इनकम कंजम्पशन से कम है, ठीक है, तब तक क्या है, इनकम और कंजम्पशन के बीच का गैप क्या कहलाएगा, आपका डिस सेविंग्स कहलाएगा। इसके बाद जो है जब कंजम्पशन कम हो जाएगा और इनकम ज्यादा हो जाएगी तब ये गैप क्या कहलाएगा आपका, तब कहलाएगा आपका सेविंग्स, पॉजिटिव सेविंग्स या सेविंग्स, ठीक है। और बीच में इनके आता है एक ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर ना सेविंग्स होती हैं और ना ही डिस सेविंग्स होती हैं, वहां पर वाई इक्वल टू होता है सी के, और ये पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और ये पांचों आपके एजम्पशंस जो है ये हैं आपके प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के एजम्पशंस, ठीक है। और इसके अलावा इस टॉपिक में टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितने टाइप हो सकते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं छोटे छोटे, दैट ऑल्सो वी विल ट्राई टू सॉल्व आउट इन टुमारोज न्यूमेरिकल। फॉर टुडे दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, प्लीज वॉच द वीडियो कंप्लीटली एंड गो थ्रू द टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।